अभी गर्मा गर्म सेम के लिए मैक्रोनी लेके जा रहे हो सेम आगे। चलो चलो पापा को दे आ जाओ, फिर आज हम घर जाएंगे। ओके चले सेम मैंने जरा कैचअप ला दो, पड़ी हुई है डालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैला वसीम, कैसे हैं आप सब जी? अभी वसीम काम से आके हम जा रहे हैं खाला की तरफ, और फिर शाम को जाना है बाज़ार बच्चों के ना हनान के लेने हैं शूज़ स्कूल के लिए, और मेरी मामा भी यहाँ पे रेडी हो गई। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है अपने मामा ने तार दी। तो अभी हम लोग चलते हैं जी खालना की तरफ। हमारे शॉप पे सबसे पहले बच्चों के लिए नेहा जूतियाँ, इधर अंदर शॉप है चलती है, बंद तो नहीं है कहीं बंदा? हाँ मुझे भी लग रहा है बंदा हो देखे, क्योंकि हमने एक ही शॉप रखी हुई है ना। हाँ बंद है, ये देखिए ये वाली। चले आ जाए कपड़े देखें इधर। हम लोग ये रोड क्रॉस करके ना उधर जा रहे हैं, तो शॉप है वहाँ से इनकी जूतियाँ और शूज़ ले रहे हैं। आ गया जी शॉप पे, वसीम हो गए इनके पास गए ना, चप्पलें भी हो गई और शूज़ भी। हाय हाय क्यों? अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक है ना, कोई सही है ना, तंग तो नहीं ना हो रहा। चलो बस उतार दो, लो मैं उतारूँगा, बैठ जाओ। हाँ अपने लिए पहनना आपको जूती ले, ठीक है ये वाला मैं पहनने के लिए चप्पल ले रही, वो वाला ज़्यादा प्यारा सी। हाँ ये ब्लैक वाली सही पहनाई जरा इसको, हनान का साइज है ना, हनान पहन वो वाली कर, दूसरी वाली, दूसरी वाली कर पहनो, वो भी टूट गई ना ठीक है ना। हाँ दिखाओ उधर आके, पाँव करो ना ठीक तरीके से, उधर पीछे करो ठीक है, पाँव आगे इधर पीछे कर, पाँव हाँ ठीक है ये वाली ठीक है। दो दिन पीछे इजाफा भी देख, इजाफा भी पूरी है, पूरी है छोटी तो नहीं है, चलो ठीक है आ जाओ सही है, चल के दिखा रहे हैं ठीक है। जूतियाँ ले रही हैं अभी हम लोग जा रहे हैं खाला की तरफ, और तो नहीं ना कुछ लेना, उधर जा रहे हैं तरबूज लेने लेकर आते, फिर हम लोग जाएंगे खाला की तरफ। क्या सोचा था? कुछ भी नहीं सोचा, बस पापा आते हैं फिर हम घर चलते हैं ठीक है। वसीम में तरबूज ले लिए हैं, तो अभी आ रहे हैं हम लोग चलते हैं जी खाला की तरफ। सही लाल है, माल है लाल है, लाल है लाल है। अच्छा सही है, चलो रखे तो चलते हैं। लैफा भी बेच रहा था, कहता गरम आंडे ले लो, क्या बेच रहा था? गलम आटे, कूलर पड़ा इसको गरम। हाँ ना सोना मेरा मुंडा अंडे बेचेगा, चलो चले। हम लोग आ गए काई वगैरह की तरफ, और बहुत बहुत मुबारक को मेरी इनकी जॉब लगी, और पहली सारी पे ट्रीट बनेगी ठीक है, तीन सैलरियाँ इकट्ठी आनी है, तीन ट्रीट बनेगी मीना के बनी है। और ये सबसे अच्छा एक जगह पे तीनों लग गए हैं ना अहमद की, तो अभी वसीम ने यहाँ पे काटा है तरबूज, इधर टेंशन भी नहीं होगी, इकट्ठे आ गए और इकट्ठे चलो सही मसला है। बस सही कह रहा, कहता तीन तीन ट्रीट लेनी है एक दिन उससे, एक दिन उससे। क्या खा रहे? क्या है ये? मानो आपको दिया डब्बा, जूती तार दी, अरे तरबूज ठंडा हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं जी अपने घर, रास्ते में से दूध लेना है, दही लेना है, और पकीने का सामान लेना है घर चल के, चपड़ी कबाब और रायते के साथ रोटी खाएं। डायरेक्ट पूछा वो ना सारी चीज़ों का रेट पूछ, अभी लेनी है चटनी का सामान घर चल के, चपड़ी कबाब और रोटी खाएंगे ठीक है। धनिया नहीं है, हम आ गए घर, और दोनों भाई ने जूतियाँ देखे कितने प्यार से जोड़ी हैं किसने जोड़ी हैं, किसने जोड़ी हैं देखना, दो चार दिन के बाद फिर ये ऐसे ही इधर उधर धक्के खाने दूसरी जूतियों की तरह। किसने जोड़ी थी जूती? मैंने तो ना ने जोड़ी है, मैंने तो नहीं जोड़ी थी। अभी मैं करूँ जरा यहाँ पर रात के खाने की तैयारी, दो रोटियाँ वसीम की, एक मेरी एक हनान के साथ साथ मैं यहाँ पर बना रही हूँ चटनी। वसीम ने उसे कहा था पुदीना और धनिया देना, वो सकलवा सारा धनिया ही धनिया दे दिया। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कबाब फ्राई करी, और साथ ही इधर मैंने दूध रख दिया, फिर ना फिर क्या जाने वाले आधा घंटा रह गया। तो यहाँ पे जी मैं अपना रात का खाना बना के ले आई, रोटियाँ बनाई हैं साथ ही, चपली कबाब और चिकन पकौड़े किए हैं,
चिकन पकौड़े फर्स्ट टाइम खाने लगे और साथ अपना रायता बना कर लेंगे। तो हम लोग करते हैं जी अपना रात का खाना, पापा के हाथ धोने आते हैं फिर हम लोग खाते हैं। ओके मानो खाना खा लिया जी, मैंने कहा सारे बर्तन वगैरह वॉश करते बिखेरा से मैं ना कि लाइट जाने वाली, मैंने सब कुछ फटाफट किया और फाल से लेकर आए थे, मैंने कहा धो के ना ये देखा आँख पर जूती लगी है ना, शोखा रहा था घुमा घुमा के तो शूज खेल रहा था, तभी मैंने धो के फ्रीज करे थे खाने अपने चीन ना, मैंने नहीं, मेरा पेट बिल्कुल फुल के मैंने नहीं खाने खा, मैंने खाने नहीं फिर थोड़े से निकाल दे तो बाकी फ्रीज कर देती हूँ ना, सुबह जूस बना लेंगे ठीक है। पहले वो के पापा को के खा के दे ना, पापा ने खाने ना मैंने खाने में भूखने, वो एक और आ गया क्या आधी रात को जूस सुबह पी लेना अब ठंडा क्या अच्छा मैं बना के देती हूँ उसको देखो उसको तो देखो ले 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 अभी इनके लिए मैं बना रही हूँ जूस। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैला वसीम, कैसे हैं आप सब जी। तो रात को हम खाला घर से आए थे, बाजार गए थे तो काफ़ी टाइम हो गया था, रात को फिर सो गए थे, सुबह उठ के वसीम को नाश्ता बना दिया, काम पे चले गए ना, ट्यूशन पढ़ने चला गया, तो अभी हो रही है दोपहर। वसीम देख गए थे सुबह दाल, कह रहे थे चने की दाल और गोश्त बनाना, अभी मैं चने की दाल और गोश्त बनाती हूँ और साथ में बस वो रात में जूती दिखाई जाए पहनो, चने की दाल और गोश्त बनाती हूँ और साथ में जी अपना बनाती हूँ पराठा रोल। सुबह का नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया, दोपहर की मैं नान खा के चला गया, मैं रख थी मैंने कहा चलो पराठा रोल तो बताना ही आपको, उसकी रेसिपी बता के साथ मैं वही खा लूँगी, चलो ठीक है जी मैं बनाती हूँ पराठा रोल आ जाओ। अभी मैं पराठा रोल बनाने के लिए मैंने चीज़ें निकाल दी, पर मायोनीज और केचप कुछ भी नहीं मेरे पास, टोटली जो चीज़ें हैं ना खत्म हो गई, इसमें भी केचप बिल्कुल खत्म हो गया, खाली साक्षी है। तो अभी सबसे पहले चलती है तो शॉप पे अपनी मायोनीज और केचप लेके आते, फिर आपको मैंने टोटल रेसिपी बताऊँगी कि पराठा रोल मैं कैसे बनाती हूँ। और ये कावा आ गई है, पको पको पको, इतनी ज़्यादा कावा आ गया, पहले उधर से बोले ना शिमला मिर्च और बंद गोभी, फिर हम जाएँगे उधर से, किधर है काव, इतनी ज़्यादा कौ आ रही है, जैफा के पीछे पीछे आई जा रही कौ है ना, तो भाग जाओ जल्दी भाग जाओ। अभी हमारे शिमला मिर्च और बंद गोभी लेने, इधर आ जाओ जैफा, आ जाओ कितनी पास आ गई जैफा के कौ है ना, वही खा जाएगी, आ जाओ इतनी पास आ गई, क्या खा रही है जैफा, कह रहा मुझे गोला लेके दो, वहाँ से गोला लेके देती हूँ, शिमला मिर्च वगैरह खत्म हो गई थी बेचारी आंटी तोलवा रही थी, उसमें से मैंने एक शिमला मिर्च लेके दे दे एक शिमला मिर्च और इतनी सी गोभी पड़ी थी वो मैंने ले ली, अभी चलते हैं जैफा को गोला लेके देती है, जैफा ने यहाँ पे गोला भी ले लिया, यम्मी है, आपने कुछ डलवाया ना जो सवैया वगैरह वो भी तो डलवा लेते हैं नहीं खाने, तो जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मायनीज केचप भी ले लिया, छोटे वाले लिया शाम को जाके इंशाल्लाह वसीम के साथ ना गोरमे से मायनीज भी बड़ी लेके आएंगे, और केचप भी पत्थर क्यों मारे पत्थर ठाठा कर ऐसा, गाड़ियों को उधर ना बाइक वगैरह को मारे नीचे फेंक दो, लड़ाई लेगा मुफ्त की, नीचे फेंक दे। सारा कुछ लेके आई हूँ शिमला मिर्च और गाजर, ये इतनी सी शिमला मिर्च आपको मैंने बताया मिली और ये बंदों को भी इतनी सी, इसलिए मैं सुबह का टाइम जाके यहाँ से सारा कुछ ले आती हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जी की दुकान है हमारा जितना यहाँ का एरिया, तो उनके पास ना सब्जी जल्दी खत्म हो जाते, ये भी मैंने आपको बताया कांटी ने ले ली थी, मैंने कांटी से मुझे एक शिमला मिर्च दे दें, तो मैंने इसके पैसे दे दिए भाई, तो शिमला मिर्च निकाल के मुझे दे दी, तभी जी मैं अपनी सब्जियाँ कटिंग करती हूँ, फिर इनको हमने हल्के से ना यानी थोड़े से घी में ना इनको हल्का सा ब्राउन करना है, यानी ये नरम हो जाए, तो फिर अपना जो जिंगर है या टेंडर पप जो भी है उसको फ्राई करके ना जो मुनासिब लगा मुझे अभी, तो फिर हम लोग ना अपना पराठा रोल बनाते हैं। अभी जो कि मैंने अपनी सब्जियाँ डाल दी हैं, अब इनको ना हमने हल्का सा ब्राउन करना ताकि ये नरम भी हो जाए और ब्राउन भी हो जाए, और मेरे फ्राई पैन का हाल देखिए कसम से क्या करें, जितनी वसीम कुछ करें ना उतनी लाजमी ख़राब होता है फ्राई पैन, अब मैंने कहा सारा कुछ करूँगा इसको अच्छे तरीके से मैं धो लूँगी, जो हमारी सब्जियाँ नरम होगी इसके अंदर ना हंसवे जरूरत नमक और काली मिर्ची मैं डालती हूँ, तो अभी यहाँ पर जो मेरी सब्जियाँ वो भी होगी, इसमें देखिए आपको नजर आ रही काली मिर्ची मैंने डाली और नमक डाला हंसवे जरूरत, तो अभी हमारा चिकन हो जाए फिर हम बनाते हैं जी। अभी जी मैंने कहा वसीम भी काम से आ गए, एक जिंगट बना लेते हैं पराठा रोल और एक ना ये टेंडर पोका बना लेते हैं, अभी दोनों पराठा रोल बना दिया, तो इनको मैं फ्राई करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ, गर्मी से मेरा भी सर घूम रहा है, मैंने जिंगर का पीस भी फ्राई होने के लिए डाल दिया, टेंडर पॉप भी होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो हमारे जिंगर का पीस है वो फ्राई हो गया टेंडर पॉप पे, ये हमारी मायोनीज केचप और सब्जियाँ भी करते हैं अपना पराठे फ्राई और फिर इन सब चीज़ों को लगाते हैं हम लोग, ये जी हमारा पराठा इसको खोलते हैं, इसको चिपका होता है मैंने इसको खोला बिल्कुल साफ चिपका होता है, अभी दो मिनट ना डालें तो ये उसी टाइम नरम हो जाता है, ऐसे शॉर्ट ये पराठा
नहीं आप डालेंगे, आप अंदर ही रहे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मैं थोड़ा सा घी डाला था ना, वो गर्म हो गया, अभी इसको पराठा डाल देते। ये देखते हैं हमारा पराठा जो है फ्री हो रहा है, इसको थोड़ा सा और कर दो, ना कभी बहुत ज़्यादा वाला फ्री कर चुका था, वैसे भी जैसे थोड़ा लग रहा है, इसको ऐसे करते रहते हो जाएगी। अभी बस ये होता था, फिर हम रेडी करके वसीम को दे के आते हैं। जैसे भी है यहाँ पे जी वसीम का जो है पराठा रोल वो हो गया है, तो अभी हम सबसे पहले लगाएंगे जिंगर के पीस। वसीम जिंगर वाला खा रहे तो मैं साथ खाऊंगी, ठीक है। ये हो गया, फिर हमने डाल दिया इसके ऊपर वेजिटेबल, बंद गोभी और शिमला मिर्च। चीज़ भी पड़ी हुई ना, स्लाइस वाली चीज़ ख़त्म होगी वरना वो भी रखते ना, वो बड़ी मज़े के लेते हैं। अभी हम इसके ऊपर डालते हैं मायोनीज केचप, ये जी। अभी इसके ऊपर जाएगी मायोनीज, अभी शाम को कोरमे पर जाकर ना दोबारा ले गया, कसम से वो थी ना बड़ा जार, बहुत मुझे सुकून था, ठीक हो गया। और ये जी हमारा पराठा रेडी, दोनों हाथों से इसको बंद करूँगी, फिर रहा होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली जी ये देखिए हमारा गर्मा गर्म जो पराठा रोला रेडी है। चीज़ नहीं पड़ी वरना वसीम लाजमी चीज़ लगाते, मैं बिल्कुल नहीं लगाती, वसीम को देते हैं। वसीम लाइट जलाएं, ये और वसीम का आ गया, ऐसे इस्लाम दुआ ले लें। वसीम ने शर्ट नहीं ना पहनी, कह रहे गर्मी बहुत है अभी काम से आके ना। वसीम को दे दिया, अभी मैं अपने लिए बना लगी और इतनी मुझे गर्मी लग रही, बस मैं कह रही पराठा रोल बना के खा लूँ। अभी वो पीछे देखे कपड़े गल धोते, वो समेटने वाले पड़े, फिर हंडिया बना लो, फिर मैंने ना घुसाना वॉशरूम में नहा के, कसम से सुकून मिल जाएगा, इतनी इतनी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है। तो अभी मैं अपना पराठा रोल तैयार कर लूँ, वही रेसिपी बस उसमें जिंगर था तो इसमें टेंडर पोप है, तो मेरा भी पराठा रोल रेडी हो गया। अभी अंदर चलते तो बैठ के खाते हैं, मजे के यम्मी। अभी मैं और जापा इधर खा रहे, अब ऑटो गिर गए, कोई हाल नहीं है आपका, तो बहुत मज़े का बनाइए देखें। अब मैं हो गई हूँ फ्री जी, तो अभी मैंने कहा मैं अपना जो दाल गोश है वो बना, तो जल्दी से अपनी दाल गोश बनाते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। मेरी दाल भी पक रही है, वसीम आ गया, वसीम कह रही चिकन नहीं डालना, चिकन खा खा के मैं तंग आ गया, फिर मैंने कहा चले ऐसे ही पक रही है हमारी दाल। कौन है, कौन है ये, कौन है इधर, देखो खलोत फ्रोक कहती है, खलोत चला गया वो। खा लिया, वसीम कह रहे हैं मुझे फासो का जूस बना दे, तो मैंने कहा अच्छा मैं बना कर देती हूँ आपको जूस, आपको भी दूंगी। अभी वसीम के लिए अगर जूस है वो भी बन गया, किचन में देख कितना बखेरा पड़ा है, क्योंकि पराठा रोल बनाते, फिर मैंने साथ ही हंडिया बना ली, फिर वसीम के लिए जूस बनाया। तो अपनी वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अभी मैंने सारा जो बखेरा साफ करना है वर्दा सो रही है, उसके उठने से पहले पहले मैंने अपना सारा काम खत्म करना है। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाजमी लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं बहुत एक नए ब्लॉग के साथ।